हेलो गाइस दिस इज स्वाति लास्ट ऑफ अस का एपिसोड टू आ गया जिसे मैंने देख लिया है जब इसका एपिसोड वन आया था मुझे काफ़ी पसंद आया था मैंने इसका रिव्यू भी किया था उसको डिकॉर्ड नहीं किया था अब सेकंड आने के बाद मेरी इस शो से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ऐसा लगता है टर्नआउट काफ़ी अच्छा होगा पॉपुलर भी होगा लोगों के बीच क्योंकि जोम्बी वाला जो कंसेप्ट है लोगों को काफ़ी पसंद आता है दैट टू ये काफ़ी साइंटिफिकली एक्यूरेट भी बनाया गया है किसी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इन सारी चीज़ों पर और इस शो को भयानक बनाती है ये बात कि इसमें जो फंगस दिखाया गया है वो रियली में रियल में एग्जिस्ट करता है आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इस फंगस के और वो एंट्स के आपको वीडियोस जनरली मिलेंगे ऊपर ही आएंगे ये एंट्स पर असर करता है और एंट के जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि मशरूम टाइप का सर पर हेलमेट जैसा दिखाते हैं जो जोम्बीज इसमें दिखाते हैं मैं बताऊंगी वो जॉम्बीज है भी नहीं बड़ी पिटी की बात है तो जो हेलमेट जैसा एक मशरूम जैसा सर पर बना होता है वो रियली में एंट्स के हो जाता है जब इस फंगस से वो इन्फेक्ट होती हैं गनीमत यह है कि अभी ये ह्यूमन पे असर नहीं करती हैं लेकिन कोरोना ने ये हमें बिलीव करवा दिया है मैं कोरोना की यहाँ बात नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात होती रहती है और इसी तरीके की जब भी चीज़ें आती हैं तब करोना ही आगे सामने आ जाता है लेकिन क्योंकि हमने अभी रिसेंट ये पेंडेमिक गो थ्रू किया है गो थ्रू हुए हैं तो फ्रेश हो जा हो जाती हैं यादें और ब्लैक फंगस हम कैसे भूल सकते हैं जो कोरोना के टाइम में इतना ही ज़्यादा हड़कंप मचाया था एंड में जो बेचारे बूढ़े पेशेंट्स थे आई में थे उनको ब्लैक फंगस ने भी बहुत परेशान किया था तो ये फंगस भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा डराता है इस सीरीज़ में जब हम देखते हैं तो बात करते हैं कि कैसे एपिसोड स्टार्ट होता है सेकंड एपिसोड में क्या होता है कि फिर से वैसे ही फर्स्ट एपिसोड की तरह एक साइंटिस्ट एक प्रो यानी प्रोफेशनल है यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ माइकोलॉजी दिखाई गई है जकार्ता में माइकोलॉजी यानी जो फंगस की स्टडी करती है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बड़ी इसी की स्टडी करी है वो बोलती भी हैं और उनको एक केस मिलता है जो इन्फेक्टेड पर्सन का और जब उसको एनालिसिस करती हैं तो इतना ज़्यादा डर जाती हैं जैसे पहले में वो बता रहे थे कि क्या क्या प्रॉबीबिलिटी हो सकती है कि अगर ये फंगस फैल जाए तो फिर कोई इलाज नहीं होगा यहाँ पर वो दहशत इन प्रोफेसर के चेहरे पर दिख रही है वो इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो यहां तक कह देती है कि सिटी को ब्लास्ट कर दो जब उन्हें पता चलता है कि चौदह और लोग इंफेक्टेड हैं आप सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है है वो कहती इसका कोई इलाज नहीं है बात यहां पर ये दिखाई जा रही आप ध्यान दीजिएगा छब्बीस की दिखाई जा रही है दो की और यहां पर मैं आपको बता दूं दो जो है वो काफी गर्म ईयर था अभी तक का मतलब हॉटेस्ट ईयर माना जाता है ये फैक्ट है आ, सो दो हज़ार तीन में जकार्ता में शुरू हुआ था और ट्वेंटी सितंबर में अमेरिका में फैल गया था पूरी तरीके से ऑफिशियली इन्फेक्टेड हो गए थे लोग तो दो ही दिन में ये जकार्ता से अमेरिका तक पूरी तरीके से फैल गया था अच्छा इसका सेंटर आ, की बात अगर करें तो यहाँ पर आ, एक आटा मिल है जकार्ता में और अब वो आटा मिल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी है और कहते हैं वही आटा मिल में कुछ एंजाइम्स का मैनिपुलेशन हुआ कुछ ऐसा हुआ कि फंगस ने ह्यूमन के टेम्परेचर पर रहना सीख लिया और वहीं से इन्फेक्शन जो है सारा शुरू हुआ तो बात आती है कि ये कैसे अमेरिका में पहुँचा और किस तरीके से बाकी सारी कंट्रीज में पहुँचा तो ये जो आटा मिल का आटा है ये इन्फेक्टेड हो गया और फिर आपस में लोग जिस तरीके से करोना हम जानते हैं किस तरीके से फैलता है तो जो ज़ीरो ग्राउंड है ग्राउंड ज़ीरो है जो हम में जानते हैं तो वो ये जकार्ता की मिल थी और फिर यहीं से अमेरिका में पहुंच गया अगर हम इसकी बात करते हैं फंगस की जो इससे जॉम्बी बनते हैं तो ये जोम्बी एक्जैक्टली नहीं होते हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं बहुत ही दुख की बात है कि वो जिंदा लोग होते हैं जिन पर ये जोम्बी सॉरी फंगस फीड कर रही होती है और उनको आप फंगस जॉम्बी भी कह सकते हैं और उनकी भी स्टेजेस होती हैं जैसे जो तुरंत इन्फेक्टेड हुए हैं उनको आप रनर्स कहते हैं वो भी सेंस में रहते हैं देन उसके बाद स्टेज आती है जो एक साल के बाद नीचे होती है इन्फेक्शन की वो होती है स्टॉकर ये काफ़ी तेज़ होते हैं और ये दूसरों पर बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं तीसरी होती है क्लिकस जिनमें सर खोल कर वो फंगस बाहर निकल आती एक हेलमेट जैसा बन जाता है फंगस का या कहें मशरूम जैसा शेप आ जाता है मशरूम जॉम्बीज भी कह सकते हैं उनको और वो क्लिकर्स दिखाए गए हैं इस एपिसोड में काफी भयानक लगे हैं और वो जो दिखाए गए हैं क्लिकर्स मुझे याद आती है जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में दिखाते थे जो सी के नीचे रहते थे वो सारे आ जाते थे उस तरीके से डेबी जोन्स के जो साथी होते थे अलग अलग तरीके के उस उनकी याद आती है मुझे यहाँ पर आ, देन फोर्थ में आते हैं ब्लोटर्स होते हैं वो एक साल के बाद जिनके इन्फेक्शन बना रहता है उसके बाद रैट किंग होता है जो पूरी तरीके से फंगस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है आ, तो यहाँ पर ये स्टेजेस भी दिखाई गई हैं फंगस से इन्फेक्टेड आदमी आदमी इसमें मरता भी है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन्फेक्शन के बाद तुरंत ही मर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बीसों साल तक इस इन्फेक्शन को कैरी करते रहते हैं फिर रैट किंग बन फिर मरते हैं अच्छा ये जो जॉम्बीज हैं ऐसा नहीं है कि आपने इनको गोली मार दी तो आप बच सकते हैं ये क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं जिस तरीके से फंगाई होता है फंगस का ऐसा ही नेटवर्क बताया जाता है आप देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट्री में फंगस पर तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है रिसेंटली किन का हाइव ब्रेन होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कहीं भी एक जगह कोई सेंसेशन हुआ तुरंत इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो जाती है दूसरी तरफ यानी कि अगर आपने यहां पर जॉम्बी को मारा है तो दूर बैठा है जॉम्बी पाँच किलोमीटर दूर बैठा है जॉम्बी भी सेंस कर लेगा इस चीज़ को क्योंकि हाइव नेटवर्क है इनका इनका ब्रेन आपस में कनेक्टेड है या जो भी चीज़ है सेंसेशन कनेक्टेड है और यहाँ पर ये जब इन्फेक्शन करती है लोगों को ये जॉम्बीज अंधे होते हैं बेसिकली इनको दिखाई नहीं देता है इनके जो ये से, से, सेंस करते हैं वो एक्लो लोकेशन से ए, सेंस करते हैं तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी थी अगर इस पॉलिस की बात कर रहे हैं तो एनाटोर जो टेस्ट बनी हुई है यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है इस एपिसोड में और उनका जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है उनके डेथ के अराउंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बहुत इनोवेटिव है और ऐसा ही बिल्कुल गेम में भी दिखाया जा रहा था यहाँ पर एली की बॉन्डिंग थोड़ी दिखाई जा रही है टेस्ट से और वो थोड़ी देर के लिए है लेकिन हाँ इमोशनल कनेक्ट दिखता है और एली अपने बारे में झूठ बोल रही है जब उनसे पूछा जाता है कि उनको जो क्लिकर्स ने काटा था और किस तरीके से क्या हुआ है उनको इन्फेक्शन क्यों नहीं फैल रहा है तो वो अपने बारे में सारी चीज़ें सच बताती हुई नहीं लग रही हैं और एपिसोड थर्ड का ट्रेलर भी आ गया है और उसके अकॉर्डिंग दो नए कैरेक्टर आने वाले हैं बिल और फ्रैंक नाम के जिन्होंने एक, एक टाउन टाइप का काफी बड़ा एरिया का घेरा बना रखा है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है उसमें शायद एक पार्टनर की डेथ भी हो जाती है वो दोनों गे पार्टनर हैं और यहाँ पर जोल और एली किस तरीके से इनसे कनेक्ट हो जाते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सो मैंने तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी हाँ जो एली है इनके अराउंड मैंने एक स्पेशल चीज देखी है बहुत ज़्यादा सनी नहीं दिखाते हैं और ये जब सफर पर जा रही है तभी तो काफी सनी सफर है और यहां पर जो सन है वो फंगस का दुश्मन होता ही है और इनको ऐसा रे ऑफ होप देखा जा रहा है इनके अराउंड बटरफ्लाई भी घूमती रहती है आप देखेगा और जो वीडियो गेम है उसमें तो बहुत सारे एनिमल्स वगैरह आ गए थे अभी तक जब ये सिटी में इस तरीके से ट्रैवल करते हैं लेकिन यहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर वगैरह दिखाएं हैं एनिमल्स वगैरह नहीं दिखाएं ज़िराफ़ का एक छोटा सा सॉफ्ट वायर दिखाया है जो गेम में भी जिराफ स्पेशली दिखाया जा रहा था सो so, मुझे ये एपिसोड जो इनकी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स है वो बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे लगता है कि ये सीरीज़ पूरी बहुत अच्छे से टर्न आउट होगी एक प्लैंक पर चलने वाला सीन है जो बिल्डिंग से बिल्डिंग क्रॉस करते हैं वो भी बिल्कुल टू कॉपी है गेम का और मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा सो so, ये लॉजिकल और साइंटिफिक तो है ही साथ ही साथ इमोशनल भी है और जैसे जैसे जोल और एली की बॉन्डिंग होती जाएगी ये और इमोशनल होता जाएगा इसमें डेप्थ आती जाएगी सो so, मुझे ये एपिसोड भी अच्छा लगा है बहुत और आगे के एपिसोड से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं आप मुझे बताइएगा अगर आपको इस तरीके के डिकोड वीडियो वीडियोस पसंद है तो क्या इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है या मैं इसे छोटा बनाऊं देखिए बोलने के लिए तो मैं और भी चीज़ें इसके बारे में बता सकती हूँ मैं इतनी ज़्यादा इंथूजियास्टिक हूँ इसके लिए आ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इससे छोटा वीडियो भी बना सकती हूँ और बड़ा भी बना सकती हूँ अगर आपको ज़्यादा सुनना है तो सो so बताइएगा बिल्कुल भूलिएगा नहीं दैट्स इट बाई